गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं जो बतला रहा हूँ क्लास टेंथ का थ्योरम है ना, थेल थ्योरम। इसमें हम लोग चल रहे थे थेल थ्योरम। थेल थ्योरम क्या कहता है प्यारे बच्चों? आप जानते हैं कि इफ डी पैरलर बी सी तो ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। उसी पर सारे कहानी हम लोगों को है, एक कहानी नहीं पूरे कहानी उसी पर है ना। देखिए क्या कहता है, गिवन में दिया हुआ इक्वेशन में कि इन ए बी सी इंट्रेंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट। डी मिड पॉइंट है किसका? ए बी। तो क्या होगा भाई, है ना, ए क्लास टेंथ लिख दीजिएगा। चलिए अब एक्सरसाइज आप जानिए रहे हैं थेल थ्योरम का, है ना, वो लिख लीजिएगा एक्सरसाइज नंबर। आप थेल थ्योरम पढ़े हैं तो 6.2 था, ये अपना लिख लीजिएगा 6.2। प्यारे बच्चों तो आप थ्योरम से पढ़िए क्या कहता है। प्रूव करना है कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, एसी का मिड पॉइंट है। तो देखिए प्रूव में डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का मिड पॉइंट डी है। तो डी है तो क्या हो सकता है, मिड पॉइंट है तो ए डी इक्वल टू डी बी। इसीलिए मैंने लिखा ए डी इक्वल टू डी बी इक्वेशन वन से। जब ये बराबर है तो ए डी बाई डी बी बराबर में बराबर से इक्वल में इक्वल से डिवाइड करते हैं तो वन होता है, तो वन हो गया इक्वेशन वन। समझ रहे ना। अब नाउ इंट्रेंगल ए बी सी, इंट्रेंगल ए बी सी डी इज पैरलर ऑफ बी सी। डी सब जान रहे कि डी के पैरलर है। तो बाय यूजिंग बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ थेल थ्योरम, है ना, कौन तो बाय डी बी इक्वल टू डी ई बाई ई सी। और प्यारे बच्चों ए डी बाई डी बी इक्वल टू वन पढ़े थे ना, दिखे दे रहा है। है ना, ठीक है, वेरी गुड, बहुत आसान है। हाँ बहुत ही जी, वाह 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 वाह, ठीक है ना, वाह वाह वाह। अब इसी तरह से हम इसको बनाएंगे क्या? तो वन है तो अब देख लीजिए प्यारे बच्चों, वन इक्वल टू ए ई बाई ई सी, क्रॉस मल्टीपल कर दो तो क्रॉस मल्टीपल करने पर क्या हो गया, ए ई या ई सी इक्वल टू ए ई। तब जब प्यारे बच्चों यहाँ देख लीजिए ए ई बाई ई सी, ए ई इक्वल टू ई सी, ए ई इक्वल टू ई सी, एक मतलब क्या हो गया, ई मिडिल पॉइंट है ना, कौन बी इज क्या चीज है। हेंस प्रूव्ड क्या, ई इज मिडिल पॉइंट ऑफ ए सी, ए सी का मिडिल पॉइंट है। लुक हियर प्यारे बच्चों, एक नंबर क्वेश्चन पढ़िए। अब ठीक ई उसी तरह से था, गिवन में है कि ए बी सी इज ट्रायंगल, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एंड ई इज मिड पॉइंट, माने डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो प्रूव्ड है, प्रूव करना है कि डी पैरेलल बी सी। प्यारे बच्चों पैरेलल बी सी कितना आसान है, डी इज द मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी। तो क्या ए डी इक्वल टू डी बी होगा ना भाई, बराबर है तो इतना इक्वल टू वन होगा इक्वेशन वन। अरे होगा कि नहीं होगा पहले ये बताइए, एकदम निश्चित होगा प्यारे बच्चों, समझिएगा। अब आइए, जब ये मिडिल पॉइंट है
अब आप क्या करेंगे? अरे बच्चों समझिएगा, अब एल्सो गिवन ई इज द मिडिल पॉइंट ऑफ ए सी, तो ए इक्वल टू ई सी है, ए इक्वल टू ई सी। अब ए इक्वल टू ई सी है, अच्छा तो आप लिख सकते हैं क्या ए बाई ई सी इक्वल टू वन। अब समझ सकते हैं मेरे बच्चों, यहाँ ए डी बाई डी बी इक्वल टू वन, यहाँ ए बाई ई सी इक्वल टू वन, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। तो सभी इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू दोनों का आर एच एस बराबर है, तो एल एच एस बराबर हो गया, क्या बराबर हुआ? ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ई सी। प्यारे बच्चों अगर किसी भी थेल थ्योरम अपोजिट ऑफ थेल थ्योरम हो, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ई सी, तो निश्चित रूप से डी पैरेलल बी सी। तो क्या हम लिख सकते हैं? डी पैरेलल बी सी हो गया। अब देख लीजिए, अब प्यारे बच्चों ए कहता है, क्या कहता है? ए बी सी डी इज क्या चीज? ट्रेपेजियम इन विच क्या? ए बी पैरेलल बी सी, ए बी पैरेलल बी सी। प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि इट इज क्या चीज? इट्स डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। प्यारे बच्चों किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है? ओ पॉइंट पर आपका इंटरसेक्ट कर रहा है। अब समझ सकते हैं जब ओ पॉइंट पर आपको इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या करेंगे? प्यारे बच्चों फिगर देखो, है ना? अब यहाँ देख लीजिए, अब एक चीज कह रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन करिए, ईओ पैरेलल टू ए ड्रो ईओ पैरेलल टू ए बी मीट ए डी, है ना, एट ई। प्यारे बच्चों ए डी पर यहाँ पर ई पर मिल गया, ऐसे में हो गया पैरेलल है किसका? ए बी का। तो प्यारे बच्चों जब पैरेलल खींच दिए, कंस्ट्रक्शन आपने कर दिया, तो इंट्रेंगल ए, प्यारे बच्चों इंट्रेंगल व्हाट? ए डी सी, ए डी सी, ए ए डी सी, ये डी है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा डी, समझ रहे हैं? तो क्या हम करेंगे माय डियर स्टूडेंट? तो ए डी बी डी ओ इज पैरेलल ऑफ ए बी, तो डी ई बाई ई ए डी, है ना? या हम कह सकते हैं ए ई बाई ई डी, ए ई बाई ई डी, ऐसे भी कर सकते हैं, या डी ई बाई ई ए, या ए ई बाई ई डी। तो उसी तरह से इधर भी होगा प्यारे बच्चों, क्या अब समझिए? जब ए है तो आप क्या कर सकते हैं? ए ओ बाई, प्यारे बच्चों आप किस में चल रहे हैं? इक्वेशन यहां पे फिर से है ए डी सी, ए बी ए डी सी, ई वाला पे चल रहा है, देख रहे हैं ना, ई में उल्टा ट्रायंगल बना, इन ट्रायंगल किस में? ए डी सी, ए डी सी ई में, तो ई पैरेलल ई है, कौन प्यारे बच्चों कौन पैरेलल? समझिएगा कौन पैरेलल? ई ईओ पैरेलल क्या चीज? डी सी। तो आप लिख सकते ना है ए बाई ई डी इक्वल टू ए ओ बाई ओ सी, हो गया इक्वेशन वन बाई थेल थ्योरम। लेकिन अब एक ट्रायंगल चलिए डी ए बी में, डी ए बी में, वाह वाह वाह, जो पहले बता रहे थे, तो इसमें भी हम लिख सकते हैं ए बाई, प्यारे बच्चों ए बाई ई डी इक्वल टू यहाँ क्या चीज? बी ओ बाई ओ डी, बी ओ बाई ओ डी, इक्वेशन सेकंड। तो प्यारे बच्चों इक्वेशन वन और टू से अब चलते हैं,
तो क्या इक्वल है? इक्वेशन वन और टू से चलते तो क्या इक्वल है, समझिएगा, देख रहे हैं दोनों में? चलिए, क्या इक्वल है प्यारे बच्चों इसमें? तो आपको ए बाई ई डी और ए बाई ई डी, तो एक मतलब ये ए ओ बाई ओ सी इक्वल टू बी ओ बाई ओ डी। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट ए ओ बाई ओ सी इक्वल टू बी ओ बाई ओ डी, यही प्रूव हम लोगों को करना था। इस तरह से हम प्रूव कर दिए। थैंक यू प्यारे बच्चों।